गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, वी आर लाइव नाउ। हम लोग लाइव हो चुके हैं और आपकी मॉडर्न हिस्ट्री की पहली क्लास में आप सभी का दोस्तों स्वागत है। और मॉडर्न हिस्ट्री आपके लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, जिसमें हम लोग किसके बारे में पढ़ते हैं, जिसमें हम लोग पढ़ते हैं आपके 1857 के विद्रोह के। मुख्य रूप से हम लोग यहां से स्टार्ट करते हैं और ये आपका 1947 तक, जब तक भारत आजाद नहीं हुआ, इसके पीरियड को हम लोग स्टडी करते हैं। ठीक है, चलिए आप देख लेते हैं क्लास। सभी लोग क्लास को ज्वाइन कर लीजिए फटाक से। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। और सबको यहां पर एक चीज दिख रही होगी दोस्तों, सबको स्क्रीन क्लियर है कि नहीं, वॉइस क्लियर दिख रही है कि नहीं, एक बार बता दीजिए जल्दी से। सबको स्क्रीन दिख रही है कि नहीं दोस्तों, और वॉइस क्लियर है कि नहीं? अनस जी, शिवांशु जी, मयंक जी, करण जी, राधा जी, आप सभी लोगों का स्वागत है। ठीक है, इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये बहुत। अनस मयंक जी लिख रहे हैं, बिल्कुल सही बात है, इम्पोर्टेंट टॉपिक है, नो डाउट, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, चलिए, सो वॉइस सबको क्लियर है तो हम लोग अब स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, सबसे पहले दोस्तों मैं यहाँ पे आपको क्या बताऊंगा, सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ किसके बारे में, हिस्ट्री का जनरल इंट्रोडक्शन हम लोग करते हैं। ठीक है, तो हिस्ट्री के बारे में, हिस्ट्री का अगर इंट्रोडक्शन के बारे में बात करें तो आप सभी को पता होना चाहिए कि हिस्ट्री में दोस्तों तीन सेगमेंट्स होते हैं। तो तीन सेगमेंट्स कौन कौन से हैं, तो कैसे हम लोग चलेंगे? तो सबसे पहले दोस्तों आपका है एंशियंट हिस्ट्री। सबसे पहले एंशियंट हिस्ट्री है, जैसे हम क्या बोलते हैं, प्राचीन भारत बोलते हैं। ठीक है, प्राचीन भारत। ठीक है, इतिहास के तीन पोर्शन है, पहला एंशियंट हिस्ट्री जिसे हम बोलते हैं प्राचीन भारत, इसके बाद दोस्तों आपका है मेडिवल हिस्ट्री। मेडिवल हिस्ट्री जिसे हम क्या बोलते हैं दोस्तों, जिसे हम बोलते हैं मध्यकालीन भारत, जिसे हम मध्यकालीन भारत बोलते हैं। और तीसरा पोर्शन आता है दोस्तों आपका मॉडर्न हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री जिसे हम क्या बोलते हैं, आधुनिक भारत। ठीक है, इसे हम क्या बोलेंगे, आधुनिक भारत बोलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ये आपको पता होना चाहिए, तो एंशियंट, मेडिवल और मॉडर्न। अब जब आरओ एग्जाम की बात करें दोस्तों, क्योंकि आपका एग्जाम क्या है दोस्तों, आपका एग्जाम है आरओ का एग्जाम। अब आरओ एग्जाम की बात करें तो दोस्तों अकेले दोस्तों ये मान के चलिए कि लगभग 15 से 16 क्वेश्चन के आसपास आपके मॉडर्न हिस्ट्री से पूछे जाते हैं। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं है कि 15 ही है एग्जैक्ट, या 17 नहीं हो सकता, या 10 नहीं हो सकता, ये वेरी करता रहता दोस्तों। ठीक है, तो पिछले 2016 का एग्जाम, 2016 का री एग्जाम, 2017 का एग्जाम, 2014 का एग्जाम और 2021 का एग्जाम, जितने पेपर हुए हैं आरओ के, उसका औसत अगर देखा जाए तो 15 से 16 क्वेश्चन आपके अकेले मॉडर्न हिस्ट्री से आते हैं। ठीक है, इसके अलावा आपके मेडिवल हिस्ट्री से कुछ क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, आपके मेडिवल हिस्ट्री से भी कुछ क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब मेडिवल हिस्ट्री से भी कुछ क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा, क्लियर है? और एंशियंट हिस्ट्री से देखिए, मान के चलिए कि एंशियंट हिस्ट्री से जो आपके क्वेश्चन आते हैं, एंशियंट हिस्ट्री से बहुत ज्यादा क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछे नहीं जाते, तो इसलिए आप लोग को बहुत ज्यादा परेशान नहीं होना है इसके लिए। ठीक है, एंशियंट हिस्ट्री में आप लोग को बहुत ज्यादा परेशान नहीं होना है। तो देखिए, एंशियंट हिस्ट्री में आपको बहुत ज्यादा परेशान नहीं होना है, मेडिवल हिस्ट्री में भी दोस्तों केवल दो टॉपिक, ज्यादा नहीं, एक आपका दिल्ली सल्तनत और एक आपका दोस्तों क्या है, यहाँ पे मुगल वंश। ठीक है, बस यही दो आपके लिए क्या है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, बाकी आपके लिए कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट दोस्तों यहाँ पर नहीं है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना है, क्लियर है? अब एंशियंट की बात करें तो एंशियंट में सिंधु घाटी सभ्यता है, वैदिक काल है, बौद्ध धर्म है, जैन धर्म है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों आपका क्या आता है, इसके बाद आपका आता है नेक्स्ट आपका मौर्य काल है। ठीक है, मौर्योत्तर काल है। ठीक है, गुप्त है, गुप्तोत्तर काल है। ठीक है, तो है तो पूरा ही सिलेबस, लेकिन अब दोस्तों अगर क्या है कि अगर कॉस्ट बेनिफिट रेशियो देखा जाए तो कॉस्ट बेनिफिट रेशियो के हिसाब से हमें क्वेश्चन कितने मिल रहे हैं, तो कॉस्ट बेनिफिट रेशियो के हिसाब से अगर क्वेश्चन की बात की जाए तो क्वेश्चन यहाँ इस पोर्शन से बहुत कम है। ठीक है, तो रणनीतिक रूप से देखिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, अब इस समय दोस्तों जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हमको ये ध्यान रखना है कि उन चीजों पे पहले फोकस करना है जो आपके लिए क्या है, जो आपके लिए सबसे ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको देने वाली, तो दैट इज मॉडर्न हिस्ट्री। ठीक है,
अब मॉडर्न हिस्ट्री दोस्तों, जो हम लोगों ने एक क्लास शेड्यूल शेयर किया है, क्लास शेड्यूल बेटा आप सभी लोग देख लीजिएगा, करण जी, मयंक जी, शिवांशु जी, अनस जी और राधा जी जितने भी लोग हैं, एक आरओ यारो का प्रीलिम्स का टारगेट बैच का फोल्डर है आपके ऐप में, उसमें क्लास शेड्यूल और कोर्स फीचर है। तो उसमें देखिए मैंने मॉडर्न हिस्ट्री इसीलिए रखा है, अभी इन दो पोर्शन को नहीं रखा है। 10 जनवरी तक का जो हमारा प्लान है कि 10 जनवरी तक हम लोग सिलेबस कंप्लीट करेंगे उसके हिसाब से, ठीक है, 10 से 15 जनवरी तक। अब दोस्तों ऐसा नहीं है कि मेडिवल हिस्ट्री और एंशियंट हिस्ट्री मैं छोड़ दूंगा, ठीक है। इसके लिए मैं क्या करूंगा, इसके लिए मैं दोस्तों आपको 3 से 4 घंटे की एक रिकॉर्डेड क्लास, 3 से 4 घंटे की एक रिकॉर्डेड क्लास आपकी मेडिवल हिस्ट्री के लिए, और इतने ही 3 से 4 घंटे की एक रिकॉर्डेड क्लास एंशियंट के लिए भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। समझ में आ रही बात बेटा, सभी लोग बता दीजिए एक बार, शिवांशु जी, मयंक जी, अनस जी, क्लियर है बेटा, बताइए एक बार सभी लोग, ठीक है, सभी लोग एक बार लिख के बता दीजिए, ठीक है, सभी लोग एक बार लिख के बता दीजिए जल्दी से। लेकिन ये क्या होगा, ये मैं दे दूंगा 15 जनवरी के बाद, ये मैं आपको 15 जनवरी के बाद दे दूंगा। पहले हमारी प्रायोरिटी क्या है दोस्तों, पहले हमारी प्रायोरिटी ये है कि जो मेजर हमारे पोर्शंस हैं, ठीक है, उन पे हम कमांड करें, जैसे आपका ज्योग्राफी हो गया जिससे 20 से 22 क्वेश्चन मिल रहे हैं। इसके बाद दोस्तों आपको क्या है, पॉलिटी है, इससे आपके कम से कम 12 से 15 क्वेश्चन मिल रहे हैं, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आपका तीसरा हो गया, तीसरा कौन सा, मॉडर्न हिस्ट्री हो गया, जो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है, जो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। इसके बाद चौथा आपका क्या हो गया, यूपी स्पेशल, जिससे 18 से 20 क्वेश्चन दोस्तों मिल सकते हैं आपके, ठीक है। तो 20 से 22 क्वेश्चन, पॉलिटी से 12 से 15, मॉडर्न हिस्ट्री से औसतन की बात हो रही दोस्तों, ठीक है, 15 से 16, यूपी स्पेशल से 15 से 20 के बीच में मिल सकते हैं, और मेजर पांचवा जो पोर्शन है वो आपको कौन सा है, वो करंट अफेयर का है। तो करंट अफेयर के ये मान के चलिए कि 20 से 25 क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। आप टोटल सम अप करिए, आप सम अप करेंगे दोस्तों तो कितना आता है, जोड़िए सभी लोग, तो 20 इधर पकड़ लीजिए, 20 क्वेश्चन, और 15 इधर ले लीजिए, तो 20 15 कितना हो गया दोस्तों, 35, 35 15 50, 50 और इधर 20 70, 70 और 25 अगर माने तो कितना, 95 क्वेश्चन दोस्तों हमारा किससे हो रहा है, इससे हो रहा है, ठीक है। लेकिन इसके बाद मैंने एक सेक्शन आपका और रखा है, क्या रखा है दोस्तों, तो साइंस, तो साइंस के दोस्तों कितने हैं, 10 क्वेश्चन के आसपास, ठीक है, वो भी मैं आपको कराऊंगा। तो कितना हो गया दोस्तों, 105 क्वेश्चन। और इकोनॉमी, इकोनॉमी में दोस्तों मैंने आपके लिए क्या किया है, मैंने आपके लिए बजट, बजट सर्वे और स्कीम, बजट सर्वे और स्कीम, इससे भी दोस्तों ये मान के चलिए कि लगभग 5 से 7 प्रश्न आपको मिलते हैं, ठीक है। तो प्लस अगर मैं 5 क्वेश्चन भी जोड़ देता हूं तो टोटल 110 क्वेश्चन का दोस्तों ये हिसाब किताब है जो आपके सामने मैंने यहाँ पर रखा है। सब लोग समझ पा रहे हैं बेटा बात को, सब लोग समझ पा रहे हैं इस बात को दोस्तों, सभी लोग बताइए, सभी लोग बताइए इस बात को आप लोग समझ पा रहे हैं, जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। शिवांशु जी क्लियर है, चारू जी क्लियर है, अनस जी क्लियर है, मयंक जी क्लियर है, राधा जी क्लियर है, करण जी क्लियर है, सब लोग बताइए, ठीक है, सभी लोग बताइए। देखिए रणनीतिक रूप से कैसे हम लोग 100+ स्कोर करेंगे जीएस में, तो कैसे हम लोग 100+ स्कोर करेंगे, तो ये मैंने तरीका आपको बता दिया, कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, तो ज्योग्राफी, क्वालिटी, मॉडर्न हिस्ट्री, यूपी स्पेशल, करंट अफेयर, साइंस और इकोनॉमी में बजट, इकोनॉमिक सर्वे और गवर्नमेंट स्कीम। तो 110 से 115 क्वेश्चन तो आपको यहीं से मिल गए, ठीक है, क्लियर है। अच्छा अब इसके अलावा देखिए एंशियंट और मेडिवल हिस्ट्री का जो पोर्शन है वो मैं आपको छोड़ नहीं रहा हूं, वो मैं क्या कर रहा हूं, आपको 3 से 4 घंटे की रिकॉर्डेड क्लास आपकी एंशियंट हिस्ट्री की और मेडिवल हिस्ट्री की, वो मैं आपको क्या करूंगा, प्रोवाइड कर दूंगा ऐप पर। तो सब लोग संतुष्ट हैं इस बात से, बताइए, इतना ये प्लान है हम लोग लेकर चल रहे हैं, ये आपको अपने दिमाग में बिठा के चलना है। सबको क्लियर हो रही बात दोस्तों, सभी लोग बताइए, ठीक है, चलिए अगर इतना क्लियर हो रहा है तो फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अच्छा अब ये बताइए, जो नए स्टूडेंट है, जैसे विशेष रूप से आपका चारू जी जो है और आपके एक और नए स्टूडेंट है शिवांशु जी, आप लोग को भी बेटा क्लियर है कि नहीं ये बात,
आप लोग को भी क्लियर है कि नहीं, स्पष्ट रूप से बताइए एक बार, ठीक है? जो पुराने बच्चे हैं वो तो पढ़ रहे हैं, आलोक निरंजन जी भी जुड़ चुके हैं, ठीक है? तो शिवांशु जी और आप भी बताइए, आलोक जी और सीमा जी अभी जुड़ी हैं, आप भी बताइए, सबको क्लियर हो रहा है ये बात? ठीक है, रख के चलना है, आपका ध्येय ये है। और जीएस में हमको कोशिश ये करना है 110 से 115 अटेम्प्ट हम लोग करें, और जिसमें से हमारे कितने हो सही हो जाएं, लगभग हम लोग 85 से 90 सही कर पाए, तो निश्चित रूप से मान के चलिए कि हमारा कट ऑफ जो है वो क्लियर होगा। ठीक है, सभी लोगों को स्पष्ट हो रही है बात? बेटा स्ट्रेटजी क्या लेके चलनी है, क्लियर है बात? स्पष्ट हो रही है? तो ये बात आपको दिमाग में रख के चलनी है। तो यही रणनीति हम लोग लेकर चल रहे हैं, और सब कुछ आपको मिलेगा, एंसेंट मेडवेल भी मैं आपको दे दूंगा, वो रिकॉर्डेड क्लास रहेगी, 3 से 4 घंटे की वीडियो रहेगी, वो मैं अपलोड कर दूंगा, वो आप लोग देख लीजिएगा आराम से, और उसकी आपको क्या कहते हैं पीडीएफ मिल जाएगी, बिल्कुल परेशान नहीं होना है, वो आपको 10 के बाद आप एक बार दो बार वीडियो देख लेंगे तो वो भी आपका क्लियर हो जाएगा। लेकिन बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते बेटा, देखिए 5 से 7 क्वेश्चन आपको इससे मिलेंगे, तो इसके लिए अभी रणनीतिक रूप से हमारी प्रायोरिटी ये है 10 से 15 जनवरी तक हम लोग क्या करें, इतने पोर्शन को पहले टारगेट करें। पोर्शन कौन कौन से हैं? ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, मॉडर्न हिस्ट्री है, यूपी स्पेशल है, करंट अफेयर है, साइंस है, बजट, इकोनॉमिक सर्वे, गवर्नमेंट स्कीम, इकोनॉमी में, ठीक है? और हाँ, सेंसस, डेफिनेटली सेंसस भी है, तो सेंसस भी मैं आपको करा दूंगा, ठीक है? आप एक चीज दोस्तों क्या है, आप एक चीज अभी देखिए, मैं मेरी बात हो रही थी, आपके बैच की स्टूडेंट है सीमा जी, क्लास में हैं भी शायद, तो हाँ दोस्तों एक बात और ध्यान रखिएगा, यहाँ पे 10 से 10 से नहीं दोस्तों, यहाँ पर एक बात आप लोग को और ध्यान रखनी है, सभी लोग नोट करिएगा ध्यान से एक बात को, एक टॉपिक आपका और क्या है दोस्तों, रीजनिंग, रीजनिंग है, उसके 12 से 15 क्वेश्चन के एग्जाम में आते हैं दोस्तों, ठीक है? तो वो अगर आप जोड़ देंगे, वो अगर आप इसमें जोड़ देंगे, 12 क्वेश्चन भी जोड़ते हैं तो 122 क्वेश्चन दोस्तों आपका हो जाता है। अब ये बताइए 140 में से 122 अगर अच्छे से पढ़ के जाया जाए तो सिलेक्शन हो सकता है कि नहीं? सभी लोग बता दीजिए जल्दी से, जल्दी से बताइए, 122 में से अगर हम लोग 140 में से 122 125 तक पढ़ के बढ़िया से जाएं तो सिलेक्शन हमारा हो सकता है कि नहीं? जल्दी से बताइए। मयंक जी, चारू जी, अनस जी, करण जी, ठीक है, सभी लोग बताइए। तो ये स्ट्रेटजी रख के आपको चलनी है। देखिए हिंदी में मैं आपको बताऊं दोस्तों, हिंदी में सब बच्चा क्या करता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तैयार कर लेता है, एक ही बुक है घटना चक्र की, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तैयार कर लेंगे सारे लोग, तो ये मान के चलिए कि 55+ हर बच्चा प्राप्त कर लेता है। लेकिन सिलेक्शन किसका होता है दोस्तों, ये बात ध्यान रखिएगा, सिलेक्शन उसी का होता है दोस्तों जो जीएस में 100+ ले आता है दोस्तों, या 90+ लाता है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो 120 क्वेश्चन का प्रोजेक्शन मैंने आपको दे दिया है, 122 क्वेश्चन का, कि कैसे हम लोग उसको अचीव करेंगे, और इसको आप लोग दिमाग में अपने बैठा के चलिए। और जिन भी स्टूडेंट्स का दोस्तों अभी क्या है, अभी कुछ भी लग रहा है कि इतने सब्जेक्ट से आपका इतने क्वेश्चन नहीं बन पाएंगे, तो आप लोग एक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एनालिसिस करिए, उसमें सारी चीजें आपको यहाँ पर मिल जाएंगी, ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है? चलिए वेरी गुड, स्टार्ट करें हम लोग हिस्ट्री को। चलिए अब हिस्ट्री को स्टार्ट कर लेते हैं। तो हिस्ट्री में 3 पोर्शन मैंने आपको बता दिए, तो मॉडर्न हिस्ट्री के दोस्तों इंपॉर्टेंट चैप्टर्स में आपको बता दे रहा हूं, तो मॉडर्न हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो मैं आपको बता दे रहा हूं वो कौन कौन से ऐसे टॉपिक हैं जिससे बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कौन कौन से टॉपिक हैं दोस्तों? तो सबसे पहले दोस्तों देखिए आपका क्या है, 1857 का विद्रोह, रिवोल्ट ऑफ 1857, इसके बाद दोस्तों कौन सा है, इसके बाद आपका क्या है, कांग्रेस की, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना, ठीक है? इसके बाद दोस्तों आपका क्या है, तीसरा जो मेन टॉपिक है, गवर्नर जनरल और वायसराय, इसके बाद चौथा टॉपिक है, सभी लोग इसको नोट कर लीजिएगा, सभी लोग इसको नोट कर लीजिएगा दोस्तों, ठीक है? ध्यान रखिएगा, सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन, आर्य समाज, ब्रह्म समाज का नाम आप लोगों ने सुना होगा,
ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसके बाद आपके बंगाल विभाजन, स्वदेशी आंदोलन, इसके बाद दोस्तों आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, दो नंबर पर कांग्रेस है बेटा, इंडियन नेशनल कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। इसके बाद दोस्तों आपके लिए क्या है, इसके बाद आपके लिए यहां तक हम लोगों ने देख लिया महत्वपूर्ण घटना कौन सी है, बंगाली विभाजन हम लोगों ने देख लिया। हाँ, इसके बाद दोस्तों आपका क्या है दोस्तों, होम रूल लीग, रॉलेट एक्ट, खिलाफत आंदोलन, ठीक है, इसके बाद दोस्तों आपका स्टार्ट होता है दोस्तों गांधी युग। अब गांधी युग स्टार्ट होता है दोस्तों कब से, 1915 से लेकर 1947, ठीक है। इतनी चीजें दोस्तों देखिए आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इतनी चीजें इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, तो इसमें दोस्तों हम लोग को क्या करना है, हम लोग को ये ध्यान रखना है दोस्तों, जो मैं आपको यहां पर बताने का प्रयास कर रहा हूं, सभी लोग उसको ध्यान रखेंगे। सबको क्लियर हो रहा है कि नहीं दोस्तों, फटाक से बता दीजिए एक बार। पहला क्लास है इसलिए टॉपिक आपको इंपॉर्टेंट पता होने बहुत जरूरी है, ये बात ध्यान रखिएगा। 1857 का विद्रोह, कांग्रेस की स्थापना, गवर्नर जनरल वायसराय, सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन, बंगाल विभाजन, होम रूल लीग, रॉलेट एक्ट, खिलाफत आंदोलन, और फिर आपका गांधी युग, ठीक है। इसके बाद दोस्तों जस्ट अ मिनट बेटा, ठीक, चलिए, वेरी गुड। अब यहां पर देखिए दोस्तों नेक्स्ट आपका गांधी युग में गांधी जी के महत्वपूर्ण आंदोलन कौन कौन से, तो 9 जनवरी 1915 को गांधी जी भारत आते हैं, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत आए, ठीक। लिख नहीं पाए कोई बात नहीं आलोक जी, पीडीएफ मिल जाएगी आपको, पीडीएफ अपलोड हो जाएगी आज ही क्लास के बाद, तो उससे नोट कर लीजिएगा, ठीक है आलोक जी, परेशान मत होइए, ठीक है। तो गांधी जी भारत आए 9 जनवरी 1915, ठीक है। इसके बाद दोस्तों उनके तीन प्रारंभिक आंदोलन, चंपारण आंदोलन, खेड़ा और अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, चंपारण, खेड़ा और अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, ठीक है, ये तीन महत्वपूर्ण आंदोलन है, ये इससे क्वेश्चन आते हैं। इसके बाद दोस्तों आपका असहयोग आंदोलन, इसके बाद आपका असहयोग आंदोलन, फिर आपका है दांडी मार्च और सविनय अवज्ञा आंदोलन, ठीक। और इसके बाद दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन, इसके बाद दोस्तों कैबिनेट मिशन योजना, जिससे भारत के संविधान का निर्माण हुआ, ठीक है दोस्तों।
तो ये दोस्तों आपका क्या है, ये फ्लो चार्ट है, ये चार्ट है जो मैंने आपको बताया दोस्तों। तो सभी लोग क्या करिए, इसको जरूर से जो है ध्यान रखिएगा अपने दिमाग में। और यही आपके क्या है दोस्तों, यही आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी हैं जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। यहां तक सबको क्लियर हो गया बेटा, जितने लोग सेशन में जुड़े हैं ये आप लोग बताइए, जितने लोग सेशन में जुड़े हैं ये आप लोग बता दीजिए फटाक से, जितने लोग सेशन में जुड़े हैं फटाक से बता दीजिए आप लोग, ठीक है, जल्दी से आप सभी लोग बता दीजिए जितने लोग सेशन में जुड़े हुए हैं। सबको यहां तक क्लियर है? अनस जी, आलोक जी, करण जी, चारू जी, सीमा जी, शिवांशु जी, सबको क्लियर है बेटा? सब लोग बता दें एक बार फटाक से, ठीक है। चलिए, तो यहां तक अगर क्लियर है तो फिर दोस्तों अब कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। अब दोस्तों आप लोगों में से काफी सारे लोग ऐसे होंगे जो अब जिनके दिमाग में ये होगा कि सर आपने यूरोपीय कंपनियों का आगमन नहीं लिखवाया, आपने यूरोपीय कंपनियों का आगमन नहीं लिखवाया, बाकी सारा आपने लिखवा दिया। तो यूरोपीय कंपनियों का आगमन इसलिए नहीं लिखवाया बेटा, क्यों? क्योंकि बहुत ज्यादा देखिए पूछा नहीं जाता है, ठीक है, बहुत ज्यादा पूछा नहीं जाता है, लेकिन जो पूछा अगर जाएगा तो थोड़े बहुत क्वेश्चन जो आपके आते हैं वो मैं कंप्लीट करा दूंगा। समझ में आ रही है बात सबको? सबको क्लियर हो रहा है बेटा? जल्दी से बताइए एक बार, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, यूरोपीय कंपनियों का आगमन में पुर्तगाली सबसे पहले आए थे आपको पता है, और अंग्रेज जो थे सबसे ज्यादा समय तक क्या रहे, सबसे अधिक समय तक भारत पर शासन करने वाले रहे। तो ये आपको ध्यान रखना है, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से, क्लियर है? चलिए, तो बहुत छोटा टॉपिक है यूरोपीय कंपनियों का आगमन, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग को फिर जो भी इतने टॉपिक्स पे कमांड हम लोग करके चलेंगे और लगभग मॉडर्न हिस्ट्री पूरी आपकी। और इसके बाद मैं क्या करूंगा, इसके बाद मैं एक आपकी 3 घंटे की, इसकी भी दोस्तों एक 3 घंटे की रिविजन वीडियो, 3 घंटे की रिविजन वीडियो जो आपके रिविजन के लिए रहेगी दोस्तों, ठीक है, वो मैं आपको मॉडर्न हिस्ट्री के लिए भी दूंगा, ठीक है, जिस एक वीडियो के द्वारा आप क्या कर पाएंगे, पूरा रिवाइज कर लेंगे, ठीक। तो स्टार्ट करें हम लोग, सभी लोग रेडी हैं? चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले हम लोग आज बात करते हैं 1857 की क्रांति के बारे में, ठीक है। 1857 की क्रांति हमारा देखिए पहला टॉपिक भी है, ठीक है, यहाँ पे, और हम लोग इसी के बारे में बात करेंगे, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले देखिए 1857 की क्रांति थी, तो ये क्रांति 1857 की क्रांति या विद्रोह क्यों कहलाता है, क्यों? क्योंकि सबसे पहली चीज ये क्या है, विद्रोह कहता कौन है, ये अंग्रेज कहते हैं, जो अंग्रेजों के समय में क्या थे, सरकारी इतिहासकार थे, वो क्या कहते हैं, वो अंग्रेज, वो इसे क्रांति या नहीं कहते, वो इसे विद्रोह कहते हैं। लेकिन देखिए मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, मैंने क्रांति लिखा है, क्यों? क्योंकि हम तो भारतीय है ना दोस्तों, तो हमें क्या, जो हमारे देश के लोगों ने आजादी की लड़ाई के लिए प्रयास किया उसे हम क्या कहेंगे, जिसके फलस्वरूप हमें आजादी मिली, तो हम तो क्रांति ही कहेंगे, ठीक है। हमारा प्रथम स्वतंत्रता संग्राम जो था दोस्तों वो क्या था, यही था। तो प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम वो आपका क्या कहलाएगा, वो आपका यही कहलाएगा। सबको स्पष्ट हो रही बात दोस्तों, फटाक से बताइए, स्पष्ट है, क्लियर? तो फर्स्ट फ्रीडम स्ट्रगल, फर्स्ट इंडियन ये ध्यान रखिएगा। सुनीता जी टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं हो रही, मैंने आपको कॉल किया था सुनीता जी, आपने कॉल किया था रात में, मैंने मॉर्निंग में कल कॉल किया था शाम में आपको, आपका कॉल पिक नहीं हुआ, एक बार कॉल पे बात कर लीजिएगा, हो जाएगा, ठीक है, परेशान मत होइए, ठीक है। चलिए, तो प्रथम फर्स्ट इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, फर्स्ट इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल आपका क्या कहलाता है, ये 1857 की क्रांति कहलाती है, क्लियर है दोस्तों सभी लोगों को? चलिए, वेरी गुड। आप देखिए बेसिकली क्या था, इसका तात्कालिक कारण क्या था, मतलब तात्कालिक कारण मतलब देखिए इमीडिएट कॉज, इमीडिएट कॉज क्या था वो देखिए, हिंदी इंग्लिश दोनों में मैंने देने का प्रयास किया है, काफी सारे बच्चे क्योंकि इंग्लिश माध्यम के भी हैं, तो जितना पॉसिबल होता है देखिए, जितना मैं कर पाता हूँ आप लोगों के लिए प्रयास करता हूँ कि मैं दे दूं,
ठीक है। चलिए तो तात्कालिक करण क्या था? अब देखिए मैंने तात्कालिक करण क्यों लिखा, तात्कालिक करण इसलिए लिखा कि ये इमीडिएट कॉज था बेटा, लेकिन मुख्य कारण जो थे वो क्या था, इसका मुख्य कारण क्या था दोस्तों, आपको पता होना चाहिए, ब्रिटिश शासन की नीति। ब्रिटिश शासन की नीति जो थी वो क्या थी, वो मेनली रिस्पॉन्सिबल थी दोस्तों 1857 के विद्रोह के लिए। तो मैंने मुख्य कारण क्यों लिख दिया, क्योंकि आपके एग्जाम में दोनों ऑप्शन में रहेगा, दोनों ऑप्शन में रहेगा तो आपको क्या टिक करना है, ब्रिटिश शासन की नीति टिक करना है। अगर ये ऑप्शन में नहीं है तो एक रहेगा सैनिकों में असंतोष, ठीक है, क्लियर है बात, तो ये ध्यान रखिएगा। तो ये बेसिकली आपके क्या थे, ये आपके कारण हैं जो आपको दिमाग में रखना है। अब हुआ क्या था दोस्तों समझिए, देखिए अंग्रेज जो थे बेसिकली इनका शासन करने का तरीका क्या था, ये भारत को रॉ मटेरियल की फैक्ट्री के तौर पे यूज कर रहे थे, ठीक है। वहां इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति हो रही थी, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो चुका था वहां पे, औद्योगिक क्रांति हो चुकी थी वहां पे, क्या था वहां पे फैक्ट्रियां स्टैब्लिश हो गई, वहां पे रॉ मटेरियल यहां से जाता था भारत से, और वहां पे फिनिश प्रोडक्ट बन के आता था, मतलब पूरा सामान तैयार होता था और फिर भारत में उसको बेचने के लिए लाया जाता था। तो बेसिकली दुगना लाभ जो है अंग्रेज कमा रहे थे, इसी को दादा भाई नौरोजी ने क्या कहा, ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी का, ठीक है, कि अंग्रेज जो है भारत से धन संपदा जो है उसको बहिर्गमन करके इंग्लैंड ले जा रहे हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या थी, ड्रेन ऑफ वेल्थ की थ्योरी थी। अब बेसिकली एक कारण तो ये था, दूसरा आर्थिक शोषण भारत का, दूसरा भारत में अगर अकाल पड़ा सूखा पड़ा तो अंग्रेज राहत देने के बजाय क्या करते थे, किसानों को लगान दुगना वसूल करते थे, मतलब लगान पूरा वसूल करते थे और कोई भी रिलैक्सेशन नहीं देते थे, इसीलिए किसान वर्ग जो था वो भी असंतुष्ट था। अंग्रेजों ने लॉर्ड कॉर्नवालिस ने क्या किया, जमींदारी प्रथा स्थायी बंदोबस्त स्टार्ट करके जमींदारों का एक नया समूह तैयार कर लिया, जो क्या था अंग्रेजों का क्या था, फेवर करने वाला था और भारतीयों के विरुद्ध खड़ा था, किसानों के विरुद्ध खड़ा था, ठीक है। यही जमींदार जो थे वो क्या थे, किसानों से भू राजस्व कलेक्ट करने के लिए, लगान कलेक्ट करने के लिए जमींदार थे और अंग्रेजी शासन को सौंपते थे कलेक्ट करके, क्यों, और उसमें इन जमींदारों का कमीशन होता था, ठीक है। तो वो एक बहुत बड़ा कारण था। इसके अलावा दोस्तों जितनी भी आपकी क्या है, जितनी भी आपकी भारत में सामाजिक और धार्मिक सुधार, सामाजिक और धार्मिक प्रथाएं थी, उसको अंग्रेजों द्वारा क्या किया गया, उसको भी अंग्रेजों द्वारा चुनौती दी गई, ठीक है। तो उससे भी भारतीयों में रोष उत्पन्न हुआ। और इसके बाद दोस्तों अंत में आपको पता होगा कि धर्म जो था भारत में जीवन जीने का तरीका हमेशा से रहा है दोस्तों, ठीक है। तो धर्म जो है भारतीयों के लिए बहुत ही संवेदनशील विषय रहा है शुरू से ही। तो हुआ क्या दोस्तों कि यह अफवाह फैल गई कि नई एनफील्ड राइफल इंट्रोड्यूस की गई, नई एनफील्ड राइफल इंट्रोड्यूस की गई सेना में, कि अब इन एनफील्ड राइफलों का ही उपयोग होगा। अब इन राइफलों में होता क्या था कि कारतूस जो लगते थे कारतूस को मुंह से छीलना पड़ता था, ठीक है, मुंह से छीलना पड़ता था। अब जब मुंह से छीलना पड़ता था तो यह अफवाह फैल गई कि इन कारतूसों में गाय और सुअर की चर्बी का उपयोग किया जाता है, ठीक है, यह अफवाह फैल गई। अफवाह क्या था, यह सच ही था, ठीक है। अभी अफवाह क्यों लिखा जा रहा है, क्यों, क्योंकि एनसीईआरटी की जो बुक्स हैं वो भी अंग्रेजों के पॉइंट ऑफ व्यू से ही दोस्तों, मैं आपको सच बताऊं तो लिखी गई है, पुरानी एनसीईआरटी की बात कर रहा हूं, नई की नहीं, ठीक है। चलिए तो बेसिकली क्या है, तो एनफील्ड राइफलों में कारतूसों में गाय और सुअर की चर्बी का उपयोग किया जाता है, ऐसा क्या किया गया, ऐसा अफवाह फैल गई, क्लियर है। चलिए अब देखिए बेसिकली क्या था, गाय और सुअर क्या है हमारे लिए, बेसिकली आपको बताया दोस्तों हिंदुओं और मुस्लिमों के लिए बहुत ही पवित्र थी, और ये संदेह हुआ सैनिकों में, हमारे देश में हमारे समाज में ये मैसेज गया कि अंग्रेज जो है हमारी धार्मिक भावनाओं से खिलवाड़ कर रहे हैं, अंग्रेज हमारी धार्मिक भावनाओं से खिलवाड़ कर रहे हैं। और देखिए रोष और आक्रोश तो पहले से ही था, रोष और आक्रोश तो पहले से ही मन में था, दिमाग में था। तो क्या हुआ दोस्तों कि आप सभी लोग जानते हैं प्रेशर जो है एक दिन में क्या होता है, बढ़ता नहीं है, प्रेशर धीरे धीरे इकट्ठा होता जाता है। जब धीरे धीरे आक्रोश इकट्ठा होता गया तो एक दिन क्या हो गया, ब्लास्ट हो गया। तो ब्लास्ट होने का कारण क्या था, तो तात्कालिक कारण यह था कि चर्बी वाले कारतूसों का उपयोग जो अंग्रेज इनफील्ड राइफलों में करवा रहे थे, ठीक है। लेकिन मुख्य कारण क्या ये था, तो मुख्य कारण ये नहीं था। तो
तो ब्रिटिश शासन की नीति या ब्रिटिश शासन की औपनिवेशिक नीति जो थी वही जिम्मेदार थी किसके लिए, 1857 के विद्रोह के लिए। क्लियर है दोस्तों? तो कई सारे कारण थे, सामाजिक भी थे, आर्थिक भी थे, राजनीतिक भी थे, और वो सब कारण मिलकर दोस्तों क्या कहते हैं, 1857 के विद्रोह को जन्म देते हैं। समझ में आ गई बात सबको? क्लियर हो गया कारण क्या था? सभी लोग बता दीजिए फटाक से। इतना मैं क्यों बता रहा हूं, क्यों? क्योंकि आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, और जब एग्जाम में आएगा तो आपसे बने। सबको स्पष्ट हो गई बात? बताइए भाई सब लोग, क्लियर है? सबको क्लियर हो गई बात? चलिए कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं आप लोग। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब यहां पर देखिए, 1857 के विद्रोह के तात्कालिक कारण क्या थे? तो सैनिक थे। तो सैनिक क्या थे? सैनिक तो माध्यम थे ना बेटा। सैनिक ने क्या किया? आक्रोश दिखाया। आक्रोश सैनिकों के द्वारा रखा गया अंग्रेजों के सामने, ठीक है? लेकिन ये क्या था, वो रिप्रेजेंट कर रहे थे किसको? पूरे भारतीय जनमानस को रिप्रेजेंट कर रहे थे, ठीक है? तो देखिए, यह अफवाह फैल गई कि नई इनफील्ड राइफलों के कारतूसों में गाय और सुअर की चर्बी का उपयोग किया गया है, ठीक है? और सिपाहियों को इन राइफलों को लोड करने से पहले कारतूस को मुंह से खोलना पड़ता था, ठीक? और हिंदू और मुस्लिम दोनों सिपाहियों ने उसका इस्तेमाल करने से इनकार कर दिया। समझ में आ गई बात? सबको क्लियर हो गई बात? ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब लॉर्ड कैनिंग ने इस गलती के लिए संशोधन करने का प्रयास किया, मतलब इस गलती को उस समय के वायसराय कौन थे दोस्तों? उस समय के गवर्नर जनरल थे बेसिकली। वायसराय तो बाद में पद क्रिएट हुआ 1858 में। उस समय के गवर्नर जनरल जो थे वो आपके कौन थे? लॉर्ड कैनिंग थे, तत्कालीन गवर्नर जनरल। अब जब गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे, उन्होंने क्या किया, इसे सुधारने का प्रयास किया और विवादित कारतूस को वापस ले लिया गया। लेकिन इससे पहले ही इसकी वजह से कई जगहों पर अशांति फैल चुकी थी और विद्रोह हो चुका था, ठीक है? ये बात ध्यान रखिएगा। अब सबसे पहले आपको एक ही नाम याद आता है 1857 के विद्रोह में, आप सबको याद आता होगा, वो नाम कौन सा है दोस्तों? तो वो नाम है मंगल पांडे। वो नाम है मंगल पांडे, आप सबको पता होगा। पता है ना दोस्तों? फटाक से बता दीजिए, सबको पता है? क्लियर। चलिए, तो मंगल पांडे ने क्या किया, मार्च 1857 को नए राइफल के प्रयोग के विरुद्ध मंगल पांडे ने आवाज उठाई, ठीक है? और अपने वरिष्ठ अधिकारियों पर हमला कर दिया था, ठीक? याद रखिएगा। तो विद्रोह शुरू कब हुआ? विद्रोह शुरू कब हुआ दोस्तों? तो विद्रोह शुरू हुआ आपका मार्च 1857, मार्च 1857 याद रखिएगा, ये विद्रोह शुरू होता है, ठीक है? किसके द्वारा शुरू होता है? तो मंगल पांडे के द्वारा। और ये दोनों ही आपको पता होना चाहिए। और अपने वरिष्ठ अधिकारियों पर उसने हमला कर दिया। अब क्या हुआ दोस्तों, ये भी पूछा जाता है कि मंगल पांडे को फांसी कब दी गई? तो 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दे दी गई, ठीक है? तो विद्रोह को अंग्रेजों ने सोचा दबा दिया जाएगा अगर मंगल पांडे को हम फांसी दे देंगे तो, ठीक है? तो लेकिन फांसी तो दे दी गई, लेकिन मंगल पांडे ने वो आग लगा दी थी जो पूरे जंगल को लगभग जला देती है, ठीक है? जंगल मतलब जंगल राज जो अंग्रेजों का था, उसको लगभग जो है उसमें चिंगारी का ये काम करती है मंगल पांडे की फांसी, और पूरी जंगल में आग लग जाती है, ठीक? अब 9 मई 1857 को मेरठ में 85 भारतीय सैनिकों ने नए राइफल का प्रयोग करने से फिर से इनकार कर दिया, और विरोध करने वाले सैनिकों को 10-10 वर्ष की सजा सुनाई गई, ठीक है? विरोध करने वाले सैनिकों को कितने वर्ष की सजा सुनाई गई? अब 85 ने किया, देखिए एक ने किया तो उसको फांसी दे दी गई, लेकिन अगर 85 ने किया तो 85 को फांसी देंगे तो क्या होगा, आक्रोश बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, इसलिए 85 को 10-10 साल की सजा दी गई, फांसी नहीं दी गई। ये इसीलिए दोस्तों देखिए, इस बात से क्या सबक मिलता है कि एकता में शक्ति होती है, ठीक है? ध्यान रखिएगा। तो 9 मई को 85 सैनिकों ने मना किया तो उनको 10-10 वर्ष की सजा दे दी गई। नेक्स्ट दोस्तों देखिए, सेम चीज इंग्लिश में भी दी है, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है? अब दोस्तों विद्रोह के केंद्र कौन कौन से थे? तो विद्रोह पटना से लेकर राजस्थान की सीमाओं तक फैला हुआ था, मतलब बिहार पटना से लेकर राजस्थान की सीमा तक। और विद्रोह के प्रमुख केंद्रों में आपका कानपुर वेरी इंपॉर्टेंट, लखनऊ वेरी इंपॉर्टेंट, बरेली वेरी इंपॉर्टेंट, झांसी वेरी इंपॉर्टेंट, ग्वालियर वेरी इंपॉर्टेंट, और बिहार के आरा जिले थे, ध्यान रखिएगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से, ठीक है? चलिए अच्छा, अब दोस्तों क्या है, एक एक करके देख लेते हैं सबके बारे में, एक एक करके सबके बारे में दोस्तों देख लेते हैं।
अब लखनऊ, लखनऊ में देखते हैं दोस्तों, लखनऊ में क्या है, लखनऊ अवध की राजधानी थी, लखनऊ अवध की राजधानी थी, और अवध के पूर्व राजा की बेगमों में से एक बेगम हजरत महल ने विद्रोह का नेतृत्व किया। तो पूछा क्या जाता है दोस्तों कि किस स्थान से किसने नेतृत्व किया था, ठीक है? तो याद रखिएगा, लखनऊ में या अवध में नेतृत्व किसने प्रदान किया, तो बेगम हजरत महल, आपके एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है? कानपुर में दोस्तों विद्रोह का नेतृत्व किसने किया, पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र नाना साहब ने। पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र नाना साहब ने क्या किया, कानपुर से नेतृत्व किया। और ये भी पूछा जाता है दोस्तों ये किसके दत्तक पुत्र थे, तो ये पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे। ध्यान रखिएगा, जितना मैं यहाँ पे स्टार लगा रहा हूँ दोस्तों, वो सारा आपका एग्जाम का आया हुआ क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद दोस्तों बात कर लेते हैं झांसी में, तो झांसी में किसने नेतृत्व प्रदान किया, तो 22 वर्षीय रानी लक्ष्मीबाई ने विद्रोहियों का नेतृत्व किया। तो 22 वर्षीय रानी लक्ष्मीबाई ने क्या किया, झांसी में नेतृत्व प्रदान किया 1857 के विद्रोह को। क्लियर हो रही बात दोस्तों सबको, ठीक है? ध्यान रखिएगा, क्योंकि उनके पति की मृत्यु के बाद अंग्रेजों ने उनके दत्तक पुत्र को झांसी के सिंहासन पर बैठाने से इनकार कर दिया। अब बेसिकली ये था क्या दोस्तों, समझिए बात को, ये यानी कैनिंग से पहले, बेसिकली ये विद्रोह हुआ क्यों, कैनिंग से पहले दोस्तों एक आपके गवर्नर जनरल थे लॉर्ड डलहौजी, जिसके बारे में आपने नाम सुना होगा। उसने मतलब जिस भी रियासत के राजा के पुत्र नहीं होता था या पुत्री नहीं होती थी, तो उन्होंने क्या किया, उत्तराधिकार के नियम को मानते हुए क्या कह दिया कि जो आप अडॉप्ट कर रहे हैं सन, उनको हम लीगल सक्सेसर नहीं मानेंगे, उत्तराधिकारी नहीं मानेंगे, और आपकी रियासत को हम ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा बना लेंगे। तो ये नीति किसकी थी, ये नीति थी लॉर्ड डलहौजी की, जिसे हड़प की नीति या डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के नाम से जाना जाता है, ठीक है दोस्तों? सुना होगा ना आप लोगों ने, पढ़ा भी होगा, हड़प की नीति किसकी थी, बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे, स्कूल में भी पढ़ा होगा आप लोगों ने, तो लॉर्ड डलहौजी की थी, ठीक है? क्लियर? तो दत्तक पुत्र को झांसी के सिंहासन पर बैठाने से उन्होंने इनकार कर दिया, और इसके विरोध में दोस्तों रानी लक्ष्मीबाई ने विद्रोह किया। 22 वर्षीय रानी लक्ष्मीबाई, याद करिए 22 वर्ष की क्या एज होती है दोस्तों, हम लोग उस समय पढ़ाई अपनी कॉलेज से जस्ट कंप्लीट करके निकलते हैं, ठीक है? लेकिन उस उम्र में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों से लोहा लिया था। अब आप समझिए कितना बड़ा त्याग हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने किया है केवल आजादी के लिए, ठीक है? चलिए अब ग्वालियर की बात कर लेते हैं। तो ग्वालियर में दोस्तों झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने विद्रोहियों का नेतृत्व किया, और नाना साहब के सेनापति तात्या टोपे के साथ मिलकर उन्होंने ग्वालियर तक मार्च किया और उस पर कब्जा कर लिया, ठीक है? तो ग्वालियर में अगर आपसे पूछा जाएगा तो आप क्या आंसर करेंगे, तो एक तो रानी लक्ष्मीबाई भी थी, लेकिन मेन आपसे अगर पूछा जाएगा तो ये आप आंसर करेंगे नाना साहब के सेनापति तात्या टोपे, उन्होंने ग्वालियर में नेतृत्व प्रदान किया था, ठीक है? आप इसके बाद बात करते हैं, वह ब्रिटिश सेनाओं के खिलाफ बहुत ही मजबूती से लड़ी, लेकिन अंततः अंग्रेजों से हार गई। अब आप समझिए दोस्तों, या इन अंग्रेजों ने क्या कहा, अंग्रेजों ने कहा इस पूरे स्वतंत्रता संग्राम में अगर कोई कोई पुरुष की भांति लड़ा, कोई वीर की भांति लड़ा, तो वो रानी लक्ष्मीबाई थी। मतलब वो किसी पुरुष को नाम नहीं दिया उन्होंने, मतलब उन्होंने कहा कि अगर किसी अदम्य साहस और वीरता का परिचय किसी ने दिया तो रानी लक्ष्मीबाई ने दिया, और इसीलिए वो इकलौती ऐसी महिला थी जो जो क्या जो पुरुष की भांति लड़ी, जो मर्द की भांति लड़ी, और जिन्होंने पूरे अंग्रेजी शासन को हिला के रख दिया, ठीक है? और नेक्स्ट ग्वालियर पर अंग्रेजों ने क्या कर लिया, फिर फाइनली कब्जा कर लिया, ठीक है? ध्यान रखिएगा। इसके बाद दोस्तों बिहार, अब बिहार में नेतृत्व किसने किया, तो विद्रोह का नेतृत्व कुंवर सिंह ने किया। वो जगदीशपुर बिहार के एक शाही घराने से थे, और उन्होंने क्या किया, उन्होंने अंग्रेजों को हरा ही दिया है, ठीक है? लेकिन बाद में चूंकि क्या था, वो बहुत ज्यादा घायल हो गए, लेकिन उनकी फिर घायल होने की वजह से मृत्यु हो जाती है, तो पुनः वो क्षेत्र जो है अंग्रेजों के अधिकार में आ जाता है। तो कुंवर सिंह भी बहुत साहस से लड़े, और उन्होंने ऐसी वीरता का परिचय दिया कि आज की डेट में भी इन्हें क्या कहते हैं, बिहार का सिंह कहते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, तो बिहार का सिंह के नाम से इनको जानते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। तो बिहार का सिंह किसे कहा जाता है, तो कुंवर सिंह को। क्लियर हो गई बात, ठीक है? ध्यान दीजिएगा। इसके बाद दोस्तों सेम चीज देखिए, आपका क्या है, इंग्लिश में भी है। अब दोस्तों ये आपका क्या है, दमन और विद्रोह। देखिए 1857 का विद्रोह 1 वर्ष से अधिक समय तक के लिए चला,
और 1858 के मध्य तक इसे दबा दिया गया। ठीक है, अब मेरठ में प्रकोप के 14 महीने बाद 8 जुलाई, ठीक है, प्रकोप बेसिकली सही शब्द नहीं होगा, मेरठ में विद्रोह के कह लीजिए, मेरठ में विद्रोह के 14 महीने बाद, ठीक है, जस्ट अ मिनट, चलिए अब देख लेते हैं मेरठ में हुआ क्या दोस्तों। 1857 का विद्रोह 1 वर्ष से अधिक समय तक चला, 1858 के मध्य तक इसे दबा दिया गया। अब मेरठ में विद्रोह के 14 महीने बाद 8 जुलाई 1858 को अंततः लॉर्ड कैनिंग द्वारा शांति की घोषणा की गई। ठीक है, और लॉर्ड कैनिंग क्या बने दोस्तों, वायसराय बने, वायसराय बनते हैं दोस्तों भारत के प्रथम वायसराय, भारत के प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग बने। ठीक है, कौन बना दोस्तों फर्स्ट वायसराय, कौन बना दोस्तों लॉर्ड कैनिंग, ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है। और इसका दो परिणाम हुआ दोस्तों, बेसिकली हुआ क्या, मुख्य रिजल्ट क्या था 1857 के विद्रोह का, कि ईस्ट इंडिया कंपनी, सभी लोग ध्यान दीजिए, ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया, ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया दोस्तों। और अब शासन किसका हुआ, अब ब्रिटिश ताज का शासन लागू हो गया, या जैसे क्या कहते हैं दोस्तों, इसे क्राउन रूल कहते हैं, इसे क्राउन रूल कहते हैं या ब्रिटिश ताज बोलते हैं। ठीक है, तो बेसिकली जब विद्रोह की समाप्ति हुई तो जब कंपनी के अधिकारी क्या कह रहे थे दोस्तों, कंपनी के अधिकारी यहाँ भारत जो भी आता था असीमित धन संपदा लेकर लंदन जाता था, तो जब वहां पे अंग्रेजी सरकार ये देखती थी कि जितने भी ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी हैं वो असीमित लाभ कमाकर असीमित धन संपदा लेकर इंग्लैंड लौट रहे हैं, तो उसको लगा कि ये कहीं ना कहीं जो है अपार धन संपदा अर्जित कर रहे हैं, तो क्यों ना कंपनी का शासन और एकाधिकार समाप्त करके सीधे ब्रिटिश शासन को लागू कर दिया जाए। तो अंग्रेजी सरकार वजह ढूंढ ही रही थी और वजह के रूप में उसे मिल गई 1857 की क्रांति। तो उन्होंने क्या किया, इस वजह का भरपूर इस्तेमाल किया, इस कारण का भरपूर उपयोग किया और ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर दिया और सीधे ब्रिटिश ताज का शासन लागू हो गया। अब जो वायसराय थे दोस्तों उसके उस समय के गवर्नर जनरल जो थे दोस्तों कौन थे, उस समय के गवर्नर जनरल जो थे वो कौन थे दोस्तों, तो लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग दोस्तों उस समय के गवर्नर जनरल थे। तो इनको रिवॉर्ड क्या मिला दोस्तों, इनको रिवॉर्ड मिला विद्रोह को दबाने का, और लॉर्ड कैनिंग भारत के पहले वायसराय बनाए गए जो कि ब्रिटिश ताज के प्रतिनिधि थे भारत में। ठीक है, और एक और पद क्रिएट किया गया भारत का राज्य सचिव, ठीक है, एक और पद किया गया भारत सचिव का, एक और पद क्रिएट किया गया सेक्रेटरी ऑफ स्टेट टू द इंडिया। ठीक है, भारत सचिव का पद क्रिएट किया गया, और ये क्या था बेसिकली, ये क्या था, ब्रिटेन का एक कैबिनेट मंत्री था, सभी लोग ध्यान दीजिएगा, ये ब्रिटेन का कैबिनेट मंत्री होता था और ब्रिटेन में ही बैठता था और भारत के सभी मामलों का क्या करता था, होल सोल इंचार्ज था। ठीक है, तो भारत सचिव जो था वो ब्रिटिश ताज के द्वारा भारत के संपूर्ण मामलों को देखने के लिए जिम्मेदार था, लेकिन ये ब्रिटेन में बैठता था। और ब्रिटिश ताज का प्रत्यक्ष प्रतिनिधि भारत में कौन था, तो वायसराय था जो लॉर्ड कैनिंग था। सबको यहां तक समझ में आ गया कि नहीं, सभी लोग बता दीजिए फटाक से, सबको यहां तक समझ में आ गया कि नहीं, जल्दी से बताइए आप लोग, एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके सभी लोग बता दें जल्दी से। ठीक है, जल्दी से सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, फटाफट से आंसर करिए दोस्तों और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। ठीक है, क्लियर है यहां तक दोस्तों।
अनस जी, करण जी, राधा जी, चारू जी, मयंक जी, आलोक जी, पूजा जी, सबको क्लियर है बेटा? ठीक है दोस्तों, ठीक। आलोक जी भी जुड़े हैं, आप भी बताइए, सबको क्लियर है? कमेंट बॉक्स में एक बार बता दीजिए दोस्तों, सभी लोग बता देंगे तो आपके लिए ही फायदेमंद है। अगर कोई डाउट है, कंफ्यूजन है, तो आप लोग पूछ भी सकते हैं, ठीक है? चलिए, क्लियर है। चलिए, वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छी बात है कि क्लियर है आप लोगों को। अब देखिए, यहां तक हम लोगों ने देख लिया। अब बेसिकली क्या आता है दोस्तों, आपके एग्जाम में आता क्या है, पूछा ये जाता है कि विद्रोह का स्थान दे देगा, पूछेगा कौन से भारतीय नेता ने नेतृत्व तो किया और कौन सा ब्रिटिश अधिकारी था जिसने विद्रोह को दबाया, ठीक है? तो ये मैंने एक टेबल में हिंदी इंग्लिश दोनों में आपके सामने क्या किया है, प्रदर्शित कर दिया है, तो आप लोग उसको क्या कर सकते हैं, तैयार कर लीजिएगा, ठीक है? मैं आपको बता दें, अब इसमें पिक एंड चूज नहीं करना है, इसमें सारा ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगर पिक एंड चूज करेंगे तो प्रश्न नहीं बनेगा फिर एग्जाम में। इसमें मैच द फॉलोइंग वाला क्वेश्चन भी आता है दोस्तों, और सिंगल स्टेटमेंट वाला भी आ सकता है, मल्टीपल स्टेटमेंट बन सकता है, तीनों प्रकार का बन सकता है। तो देखिए, पहला आपका क्या है, दिल्ली, विद्रोह का स्थान दिल्ली था, दिल्ली में किसने नेतृत्व किया, तो बहादुर शाह, बहादुर शाह द्वितीय, ठीक है? और किसने दबाया था दोस्तों विद्रोह को, तो जॉन निकोलसन, जॉन निकोलसन ने दबाया था। इसके बाद दोस्तों लखनऊ, लखनऊ में नेतृत्व किसने किया, तो बेगम हजरत महल, ठीक है, बेगम हजरत महल। और ब्रिटिश अधिकारी कौन थे जिन्होंने विद्रोह को दबाया, तो हेनरी लॉरेंस। इसके बाद दोस्तों कानपुर, तो कानपुर में नेतृत्व किसने किया, तो नाना साहब, ठीक है, नाना साहब। और दबाया किसने, सर कोलिन कैंपबेल, सर कोलिन कैंपबेल, ध्यान रखिएगा दोस्तों, सर कोलिन कैंपबेल, सभी लोग ध्यान रखिएगा। अब देखिए, एक बात मैं आप सभी दोस्तों से बोलूंगा, ये तो आप लोग को अंदाजा हो रहा होगा दोस्तों, जो लोग पहले से जुड़े हैं, पढ़ाई कर रहे हैं बेटा, जितने भी टॉपिक्स मैंने अभी तक आपको पढ़ाए हैं दोस्तों, वो सभी जो मैंने आपको कंटेंट दिया है दोस्तों, जो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाते होंगे, अब आप लोग में से जितने लोग लगाते हैं, आंसर में कॉमेंट बॉक्स में बताइए कि जितने भी आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाते होंगे, लगभग 90 से 95% क्वेश्चन आपके बन जाते होंगे। ये बात सही है कि नहीं? मयंक जी, करण जी, अनस जी, जितने भी आप शुरुआत से जो लोग जुड़े हुए हैं वो लोग बताइए, सुनीता जी, जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, ठीक है? एक बार आलोक, आलोक जी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बन जा रहा है कि नहीं? या चारू जी, जितने अभी ये टॉपिक्स आपने किए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बन रहा है कि नहीं, एक बार कॉमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, सभी लोग बता दीजिए, ठीक है? नहीं, आंसर सब लोग करिए, ये जब तक करेंगे नहीं तब तक कैसे पता चलेगा, ठीक है? तो ये सब लोग बताइए कि आपसे बन रहा है कि नहीं बन रहा है, क्योंकि अगर बताएंगे तो आपका ही फायदा है, ठीक है? ठीक है दोस्तों, क्लियर है? तो सब लोग ये बात ध्यान रखिए, जो भी कंटेंट मैं आपको दे रहा हूं दोस्तों, उस कंटेंट में ये ताकत है दोस्तों कि अगर आपने इसको अच्छे से तैयार कर लिया, तो आपके लगभग लगभग 90 से 95% क्वेश्चन दोस्तों बन जाएंगे। और मैं 100% इसलिए नहीं कहता दोस्तों, क्योंकि 100% नहीं कुछ होता है, एग्जिस्ट नहीं करता रियल वर्ल्ड में, ठीक है? तो 90 से 95% बन जाता होगा, ठीक है? देखिए, ये मैं आपको अश्योर करता हूँ दोस्तों, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा, क्लियर है सभी दोस्त लोग? और बस ईमानदारी से आपको क्या करना है, जो जो टॉपिक्स में पढ़ाता चल रहा हूँ उसके क्वेश्चन आपको लगा लेने हैं, और अगर इतना आपने ईमानदारी से कर लिया, तो निश्चित रूप से मान के चलिए कि एग्जाम में सफल होने से आपको कोई ताकत रोक नहीं पाएगी दोस्तों, ये बात निश्चित रूप से याद रखिए, ठीक है? चलिए, अब देखिए, नाना साहब जो थे, नाना साहब के एक सेनापति भी थे, आपको पता होना चाहिए, नाना साहब के सेनापति भी थे दोस्तों, ठीक है? नाना साहब के सेनापति कौन थे, वो थे तात्या टोपे, तात्या टोपे थे दोस्तों, ठीक है? और तात्या टोपे का नाम क्या था दोस्तों, रामचंद्र पांडुरंग। इनका क्या नाम था दोस्तों, तो रामचंद्र पांडुरंग, तो नोट कर लीजिएगा दोस्तों, रामचंद्र पांडुरंग इनका नाम था, इसको नोट कर लीजिएगा, ये नाम भी आपके एग्जाम में पूछा गया दोस्तों, ठीक है? रामचंद्र पांडुरंग तात्या टोपे का नाम था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से, ठीक है? ये नाना साहब के सेनापति थे। इसके बाद दोस्तों, इसके बाद आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, इनके एक सलाहकार भी थे,
इनके एक दोस्तों सलाहकार भी थे। इनके सलाहकार कौन थे? इनके सलाहकार कौन थे दोस्तों? तो अजीमुल्ला खान। अजीमुल्ला खान थे दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है। इनके सलाहकार कौन थे? अजीमुल्ला खान थे, ठीक है। यू क्लियर? इनके सलाहकार थे अजीमुल्ला खान। अब अजीमुल्ला खान जो थे दोस्तों, इन्हें क्या कहा गया है? तो इन्हें क्रांति दूत कहा गया है। इन्हें क्रांति दूत कहा गया है, इन्हें क्रांति दूत कहा जाता है, ठीक है। तात्या टोपे का नाम रामचंद्र पांडुरंग और अजीमुल्ला खान को क्या कहा गया? क्रांति दूत कहा गया, ठीक। अच्छा, आप तात्या टोपे को धोखा किसने दिया था दोस्तों? तो तात्या टोपे को धोखा किसने दिया था? इनके मित्र नहीं, मित्र मानसिंह ने धोखा दे दिया था। मित्र मानसिंह ने धोखा दे दिया और ये पकड़ा गए अंग्रेजों में और उनको फांसी दे दी गई। ये अंग्रेजों के द्वारा पकड़ा गया और उनको फांसी दे दी गई, ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा। क्लियर है दोस्तों आप लोग? फटाक से सबको यहां तक स्पष्ट हो गई बात? चलिए, वेरी गुड। अब देखिए, दिल्ली में दोस्तों, दिल्ली में आपको पता होना चाहिए, दिल्ली में बेसिकली बहादुर शाह द्वितीय के साथ बख्त खान को भी माना जाता है कभी कभी। कभी कभी बख्त खान भी दे देता है दोस्तों। तो दिल्ली में नेतृत्व करने में आप नोट कर लीजिएगा, बख्त खान भी कभी कभी आ जाता है, ठीक है। तो बेसिकली बख्त खान ही नेतृत्व कर रहा था, ठीक है। और बहादुर शाह द्वितीय इसलिए आता है नाम, क्यों? क्योंकि इनको भारत का सम्राट घोषित किया जा चुका था, ठीक है। तो ये पूरे विद्रोह के ही क्या हो गए? नेता हो गए, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब दोस्तों नेक्स्ट आप पे आते हैं, नेक्स्ट आप पे आते हैं झांसी और ग्वालियर। तो झांसी और ग्वालियर में नेतृत्व किसने किया? तो झांसी में आपको पता है दोस्तों, रानी लक्ष्मीबाई, रानी लक्ष्मीबाई। और ग्वालियर में किसने किया? तो ग्वालियर में दोस्तों आपका रानी लक्ष्मीबाई भी थी और तात्या टोपे भी थे, लेकिन मुख्य रूप से अगर दोनों ऑप्शन में रहेगा तो झांसी से मैच कराइएगा रानी लक्ष्मीबाई को और ग्वालियर से मैच कराइएगा तात्या टोपे को। क्लियर हो रहा है दोस्तों? सभी लोग बताइए एक बार, स्पष्ट हो रहा है आप सभी लोगों को? ठीक है, जितना मैं बता रहा हूं आप लोगों को फटाक से बता दीजिए, ठीक है। झांसी से मैच कराया था किस रानी लक्ष्मीबाई को, मैच कराइए, और ग्वालियर से मैच कराइएगा किसको? तात्या टोपे को, ठीक। चलिए, अब दोस्तों रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कैसे हुई? तो अंग्रेज जनरल ह्यूरोज से, अंग्रेज जनरल ह्यूग्रोज या ह्यूरोज भी इनको बोलते हैं, ठीक है। अंग्रेज जनरल ह्यूरोज से लड़ते हुए इनको 1858 को, ह्यूरोज से लड़ते हुए 1858 को वीरगति को प्राप्त हुई, ठीक है। अंग्रेज जनरल ह्यूरोज कौन थे? तो अंग्रेज जनरल थे, अंग्रेज जनरल ह्यूरो से लड़ते हुए 1858 को रानी लक्ष्मीबाई वीरगति को प्राप्त हुई। इसको ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आता है कि किस अंग्रेज जनरल से लड़ते हुए रानी लक्ष्मीबाई वीरगति को प्राप्त हुई? तो अंग्रेज जनरल ह्यूरोज, ध्यान रखिएगा। और ह्यूरोज ने ही रानी लक्ष्मीबाई के लिए कहा था, इस विद्रोह में, भीड़ में एक ही पुरुष नजर आता है और वो पुरुष कौन है? वो रानी लक्ष्मीबाई थी, ठीक है। क्योंकि देखिए, वीरता किसको नहीं पसंद आती, ठीक है। तो संघर्ष जो बढ़िया करता है, साहस जो दिखाता है, भले ही उसको वीरता ना मिले, लेकिन उसके ये बात ध्यान रखिएगा, उसकी प्रशंसा उसके अपोनेंट को भी समझ में आ जाता है कि हाँ, इसमें दम है, ठीक है। समझ में आ गई बात दोस्तों? इससे सबक क्या मिलता है आपको? आपने बहुत सारी परीक्षाएं दी होंगी, पीसीएस की आरओ पहले भी दी होगी या नहीं दी है, बहुत सारे बच्चे पहली बार दे रहे हैं, या बहुत सारे अन्य भी एग्जाम आपने दिए होंगे, तो आप हो सकता है असफल हुए हों, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है दोस्तों कि आपके अंदर क्षमता नहीं है। क्षमता आपके अंदर रही होगी, बस कुशल रणनीति, समय का, सही समय का अभाव था, इस वजह से आपको सफलता नहीं मिली। लेकिन अब आपको सफलता मिलेगी, बस सही रणनीति चाहिए और साहस चाहिए और परिश्रम और मेहनत चाहिए और धैर्य चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बरेली में देख लेते हैं।
बरेली में किसने नेतृत्व किया? तो खान बहादुर खान। बरेली में नेतृत्व प्रदान किया किसने? तो खान बहादुर खान। याद रखिएगा दोस्तों, एग्जाम में पूछा जाता है आपसे, ठीक है? चलिए, और दबाया किसने? सर कोलिन कैम्पबेल। ठीक है, ये इनका नाम ज्यादा पूछा जाता है। देखिए, यूरोज का नाम ज्यादा आता है, याद रखिएगा, विद्रोह को दबाने वालों में, ठीक है? बाकी उतना नहीं आता, लेकिन इनका ज्यादा आता है। बरेली में खान बहादुर खान, और दबाया किसने? कोलिन कैम्पबेल ने। इलाहाबाद में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? और बनारस में, तो इलाहाबाद और बनारस में नेतृत्व किया मौलवी लियाकत अली, मौलवी लियाकत अली। ठीक है, ध्यान रखिए। और कर्नल ऑनसेल, कर्नल ऑनसेल ने विद्रोह को दबाया। इसके बाद बिहार में दोस्तों जगदीशपुर आरा क्षेत्र, जगदीशपुर आरा क्षेत्र दोस्तों, ठीक है? तो जगदीशपुर आरा क्षेत्र की बात करें तो कुंवर सिंह, याद रखिएगा, ठीक है? किसने किया? तो कुंवर सिंह थे, और विलियम टेलर ने क्या किया? विद्रोह को दबाया। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो आरा जगदीशपुर, और आप लोग ध्यान रखना है दोस्तों, पटना के निकट तक, पटना के निकट तक। क्लियर, ध्यान रखिएगा। अब दोस्तों, आरा, दानापुर, गया, पटना, मुजफ्फरपुर, शाहबाद, ये पूरा ही क्या था? विद्रोह से प्रभावित था, ये इसको ध्यान रखिएगा। तो बेसिकली आरा से संबंधित थे कुंवर सिंह, और जगदीशपुर में बेसिकली क्या है? जगदीशपुर के शाही घराने से थे। ठीक है, चलिए, इन्हें क्या कहते थे? कुंवर सिंह को बिहार का सिंह, ये भी एग्जाम में आता दोस्तों, ठीक है? इवन बिहार पीसीएस में तो बहुत क्वेश्चन आता है, बिहार पीसीएस में तो दोस्तों बहुत क्वेश्चन आता है इससे, ये ध्यान रखिएगा, कुंवर सिंह से। ठीक है, तो बिहार का सिंह के नाम से इनको जाना जाता है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। क्लियर, बिहार का सिंह। ठीक है दोस्तों, सबको स्पष्ट हो रही बात? चलिए, अश्विनी जी नमस्ते बेटा, आपने थोड़ा सा लेट हो गए, आप शुरुआत से नहीं जुड़े, लेकिन चलिए सही समय पे आए, देर आए दुरुस्त आए। ठीक है, तो हम लोग आज स्टार्ट कर चुके हैं 1857 का विद्रोह। ठीक है, हम लोग 1857 का विद्रोह स्टार्ट कर चुके हैं, और मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट हो चुका है, रिकॉर्डिंग रहेगी, आप रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा, आज से ही स्टार्ट हुआ है, तो आप भी जुड़ जाएंगे। ठीक है, आप एक स्टूडेंट और हैं, श्वेतांशु जी, वो भी जुड़े हैं, चारू जी भी नहीं है, तो आप तीनों लोग नए हैं एकदम, तो आप लोग आज से क्या करिएगा, जुड़ जाइएगा। ठीक है, चलिए, वेरी गुड। अभी क्लास के बाद कॉल करता हूँ आपको, और आप, ठीक है, संपर्क करता हूँ आपको, कैसे आपको देखना है सारी चीजें। चलिए, तो बिहार, बिहार के सिंह के नाम से इन्हें जानते हैं, तो बिहार के सिंह के नाम से कुंवर सिंह को जाना जाता था। ठीक है, याद रखिएगा। और विद्रोह को दबाया किसने? तो विलियम टेलर ने। ठीक है, तो ये दोस्तों मैंने आपको क्या किया, 1857 का विद्रोह बताया। ठीक है, अब एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूं कि क्या क्या चीजें आपको ये इसमें इंपॉर्टेंट है, जो आपको ध्यान रखनी है। अब देखिए, कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं दोस्तों जो आपके एग्जाम में आते हैं, कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आपके एग्जाम में आते हैं, वो कुछ क्वेश्चंस कौन से हैं, तो कुछ क्वेश्चंस मैं आपको क्या कर रहा हूँ यहाँ पर बता रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा आप लोग। ठीक है, चलिए मैं कुछ क्वेश्चंस बता दे रहा हूँ, कौन कौन सी चीज। अब क्या है, अब यहाँ पर दोस्तों 1857 के विद्रोह के समय पूछा जाता है, भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? 1857 के विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? भारत के गवर्नर जनरल कौन थे दोस्तों? तो याद कर लीजिएगा, भारत के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग जो थे भारत के गवर्नर जनरल थे। ठीक है, पहला क्वेश्चन जो आपका पूछा जाता है, एडिशनल क्वेश्चंस हैं उनकी बात कर रहा हूँ। देखिए, क्वेश्चंस तो सारे ही हैं जो मैंने आपको पढ़ाए हैं, ठीक है, लेकिन एडिशनल पॉइंट्स जो आपके पूछे जाते हैं उनकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आपका है,
आपके क्या पूछा जाता है कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? तो 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? तो ब्रिटिश प्रधानमंत्री भी दोस्तों आपके एग्जाम में पूछा जाता है, वो कौन सा है दोस्तों? तो आपको पता होना चाहिए, विस्कॉन्ट पाम्सटन। ठीक है, विस्कॉन्ट पाम्सटन। विस्कॉन्ट पाम्सटन, ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों, विस्कॉन्ट पाम्सटन याद कर लीजिए, नोट कर लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, विस्कॉन्ट पाम्सटन, क्लियर क्लियर है, चलिए वेरी गुड। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट आपका आता है, तीसरा पॉइंट है दोस्तों, भारत में शिक्षित मध्यम वर्ग ने 1857 के विद्रोह से तटस्थता बनाए रखी, तटस्थता बनाए रखी। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। और देसी रियासतों के राजाओं ने क्या किया दोस्तों? देसी रियासतों के राजाओं ने अंग्रेजों का साथ दिया। ठीक है दोस्तों, क्लियर हो गई बात दोस्तों, देसी रियासतों के राजाओं ने क्या किया? अंग्रेजों का साथ दिया, याद रखिएगा। ठीक है, रियासतों ने अंग्रेजों का साथ दिया, ज्यादातर रियासतों ने। ठीक है, रियासतों ने, जमींदारों ने, इन सब ने क्या किया? अंग्रेजों का साथ दिया। मतलब भारत जो गुलाम क्यों रहा दोस्तों? तो वर्षों से भारत की गुलामी का कारण था कि भारतीय ही भारतीय के क्या था? सामने खड़ा था। सही बात है कि नहीं दोस्तों? भारतीय ही भारतीय के सामने खड़ा था, इसलिए इतने वर्षों की गुलामी भारत को झेलनी पड़ी। ठीक, क्लियर हो गई बात। चलिए इसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या है। अब 1857 के विद्रोह को, 1857 के विद्रोह को षड्यंत्र किसने कहा? षड्यंत्र किसने कहा, यह पूछा जाता है दोस्तों, तो ये आप लोग नोट कर लीजिएगा, षड्यंत्र किसने कहा? जेम्स आउट्रम और डब्ल्यू टेलर। ठीक है, सर जेम्स आउट्रम और डब्ल्यू टेलर। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया है दोस्तों, कई बार पूछा गया है, आपके एग्जाम में अभी भी आ सकता है। ठीक है, चलिए ये हम लोगों ने देख लिया। अब विद्रोह को षड्यंत्र किसने कहा? षड्यंत्र किसने कहा? तो जेम्स आउट्रम और डब्ल्यू टेलर। लेकिन इसी 1857 के विद्रोह को प्रथम स्वाधीनता संग्राम किसने कहा? प्रथम स्वाधीनता संग्राम कहा किसने कहा दोस्तों? तो वीडी सावरकर। वीडी सावरकर ने क्या कहा? पहला स्वाधीनता संग्राम कहा। ठीक है ना दोस्तों, क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा? जल्दी से बताते चलिए सभी लोग। ठीक है, तो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा दोस्तों? तो वीडी सावरकर ने कहा। ठीक है, चलिए, तो ये वीडी सावरकर हो गया, ये भी एक क्वेश्चन हो गया। अच्छा, अब सरकारी इतिहासकार कौन थे इस समय? 1857 के विद्रोह के समय सरकारी इतिहासकार कौन थे? सरकारी इतिहासकार कौन थे दोस्तों? तो सुरेंद्रनाथ सेन। ठीक है, कौन थे? सुरेंद्रनाथ सेन।
ठीक है, एस एन सेन भी इनको कहा जाता है, ये भी एग्जाम में पूछा गया दोस्तों, ठीक है याद रखिएगा। ठीक है, अब दोस्तों हुआ क्या, अब नेक्स्ट आप देख लेते हैं एग्जाम में जो आता है अगली चीज, वो ये है 1857 के विद्रोह के कारणों पर लिखने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो सर सैयद अहमद खान, सर सैयद अहमद खान। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया दोस्तों, ठीक है सर सैयद अहमद खान। ठीक है, इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट आता है क्वेश्चन आपका कि 1857 के विद्रोह के दमन के बाद ब्रिटिश सरकार ने फौज के नवगठन के लिए किस आयोग का गठन किया? ठीक है, विद्रोह के बाद, क्योंकि सेना में विद्रोह था, ठीक है, तो फौज के नवगठन के लिए, अंग्रेजों ने येलो कमीशन, पील आयोग का गठन किया। पील आयोग का गठन किया दोस्तों, ठीक है याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज आपको बता रहा हूं दोस्तों। ठीक है, पील आयोग का गठन किया। अब इसमें सिपाही किसमें किसमें से आ रहे थे, सिपाही कहां कहां से लिए गए, सिपाही लिए गए कहां कहां से, किस किस रेजिमेंट से, आपको पता है तो गोरखा से लिए गए, ठीक है, सिख संप्रदाय से लिए गए, और कहाँ से लिए गए दोस्तों, पंजाब के उत्तर प्रांत से। क्लियर है दोस्तों, तो बेसिकली जो बंगाल और अवध का मेजोरिटी जो सेना में थी वो क्या हुई, वो धीरे धीरे कम की गई, ये बात ध्यान रखिएगा दोस्तों। ठीक है, क्लियर हो गई बात। अब आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूं, 1857 के विद्रोह के समय अंग्रेजों की सबसे मदद, ज्यादा मदद किसने की, अंग्रेजों की सर्वाधिक मदद किसने की दोस्तों, तो सर्वाधिक मदद किसने की ये आपको पता होना चाहिए, तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों, तो उनका नाम क्या था, सिंधिया, आप सबको पता है दोस्तों, तो सिंधिया, सिंधिया ने जो ग्वालियर के थे सबसे ज्यादा मदद दोस्तों अंग्रेजों की थी 1857 के विद्रोह के समय। समझ में आ गई बात, एग्जाम में आता है याद रखिएगा। ठीक है, क्लियर हो गई बात दोस्तों, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से है। ठीक है, चलिए अब इसके बाद दोस्तों यहां पर आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, जो मैंने आपको बताया 1857 के विद्रोह का प्रतीक क्या था, क्या था प्रतीक दोस्तों, तो कमल प्लस रोटी, 1857 के विद्रोह का प्रतीक क्या था, तो कमल प्लस रोटी, याद रखिएगा दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्लियर है सबको, स्पष्ट हो रही बात। ठीक है चलिए, अच्छा अब दोस्तों क्या है, एक एक पॉइंट आपको और बता दूं, एक स्लाइड में और ले लेता हूं, क्योंकि दो तीन क्वेश्चन आपके और भी आते हैं दोस्तों, तो वो भी आपको नोट होने चाहिए। अब दोस्तों इतना मैं आपको यहां पे करा दे रहा हूं दोस्तों, तो यह बात ध्यान रखिएगा कि आपका पूर्वालोकन जब आप लगाएंगे तो आपको लगभग सारे प्रश्न ही मिल जाएंगे, कुछ छूटेगा भी नहीं दोस्तों। ठीक है, या जो भी क्वेश्चन बुक आपके पास है। अब यहां पर दोस्तों संघर्ष में भाग लेने वाले सर्वाधिक सैनिक कहां से थे, इस संघर्ष में भाग लेने वाले सर्वाधिक सैनिक कहां से थे दोस्तों, तो सर्वाधिक सैनिक 1857 के संघर्ष में अवध रेजिमेंट के थे, लखनऊ से थे दोस्तों। ठीक है,
लखनऊ से थे, याद रखिएगा। क्लियर। नेक्स्ट आपका क्या है दोस्तों, अंग्रेजों ने सबसे पहले दिल्ली को प्राप्त किया 20 सितंबर 1857, 20 सितंबर 1857 को अंग्रेजों ने दिल्ली की सबसे पहले प्राप्ति की। ठीक है, सबसे पहले प्राप्ति की। क्लियर। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट आपका आता है, नेक्स्ट आपका आता है दोस्तों, अंग्रेजों का शासन लागू हो गया 1 नवंबर, याद रखिएगा, 1 नवंबर, 1 नवंबर 1858 को, 1 नवंबर 1858 को ब्रिटिश शासन लागू हो गया। ठीक है, महारानी विक्टोरिया ने, महारानी विक्टोरिया ने, महारानी विक्टोरिया ने क्या किया, ब्रिटिश ताज का शासन लागू कर दिया। ठीक है, समझ में आ गई बात दोस्तों, ये बात ध्यान रखिएगा। क्लियर हो गई बात। हाँ, अब इसके देखो दोस्तों, क्या देखिए, ध्यान रखिए, और शुरुआत दोस्तों कब हुई थी, एक प्रिसाइज डेट भी याद कर लीजिए। शुरुआत कब हुई 1857 के विद्रोह की, 1857 का विद्रोह आपका शुरू कब हुआ दोस्तों, तो इसकी प्रिसाइज डेट भी आपको याद होनी चाहिए, कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है, 29 मार्च 1857। ठीक है, इसकी प्रिसाइज डेट क्या थी दोस्तों, 29 मार्च 1857, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से निश्चित रूप से एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण चीज है और आपके एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, क्लियर हो गई बात, सभी लोग स्पष्ट रूप से बताइए, यहां तक सबको स्पष्ट है? ठीक है, एकदम क्लियर हो रहा है बेटा, सभी लोग बताइए। ठीक है, सबको यहां तक समझ में आ गया, सबको वहां तक समझ में आ गया दोस्तों, जो मैंने आपको बताया। ठीक है, चलिए, तो यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया, और ये आपका 1857 का दोस्तों मैंने पूरा ही टॉपिक आपको बता दिया है। और अब आपका दोस्तों जब आप क्वेश्चन लगाएंगे तो आपके लगभग 99% क्वेश्चन बन जाएंगे। 99% इसलिए बोल रहा हूँ, क्यों, क्योंकि 100% करण जी, राधा जी, चारू जी, मयंक जी, आलोक जी, आप सभी लोग सेशन में हैं। ठीक है, तो आप सभी लोग फटाक से बता दीजिए, स्पष्ट हो गया ना दोस्तों सबको? ठीक है, क्लियर हो रही बात, सबको स्पष्ट हो गया? तो हम लोगों ने क्या किया दोस्तों, हम लोगों ने आज दो टॉपिक बहुत अच्छे से रेडी कर लिए। तो एक टॉपिक आपको कौन सा, हम लोगों ने यूरोप महाद्वीप देख लिया। ठीक है, यूरोप महाद्वीप देख लिया, और दूसरा हम लोगों ने आज 1857 का विद्रोह और मॉडर्न हिस्ट्री की शुरुआत कर दी। ठीक है, अब कुछ अन्य विद्रोह भी हुए, जैसे आपका संथाल विद्रोह, मोपला विद्रोह, ठीक है, सन्यासी विद्रोह, कोका विद्रोह, ठीक है, ये सब जिससे क्वेश्चन आता है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग कल जब टॉपिक दूसरा स्टार्ट करेंगे तो शुरू में थोड़ा सा देख लेंगे, ताकि बाकी सारी चीजें हमें स्पष्ट हो जाएं, और फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में बढ़ेंगे आगे। ठीक है दोस्तों, तो किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकता है दोस्तों, किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिए, अदरवाइज सेशन को एंड किया जाए। सभी लोग बता दीजिए फटाक से। ठीक है, चलिए, वेरी गुड, चारू जी, मयंक जी, आलोक जी, राधा जी, करण जी, बेटा बताइए, सबको स्पष्ट है ना बेटा? ठीक है, सबको क्लियर है? चलिए, तो सबको क्लियर हो रही है बात। ठीक है, वेरी गुड, और बहुत अच्छे से आप लोगों ने क्या किया आज क्लास की। अब देखिए, ध्यान रखिएगा दोस्तों, मैंने आपसे बोला था ना, 2 से 3 दिन, 2 से 3 दिन आपकी समस्या है 4 बजे वाली, उसके बाद वो समस्या भी दूर हो जाएगी। तो कल की क्लास का टाइमिंग मैं शेयर करूंगा, या तो 4 बजे से होगी, या तो सुबह से होगी, 10:30 या 11:30 से, तो रात में सबको मिल जाएगा टाइमिंग, सुबह भी मिल जाएगा। ठीक है, तो उसी हिसाब से जुड़िएगा। और लाइव का सभी देखिए, वर्ड मैप में आपका कल हम लोग अफ्रीका पढ़ेंगे, कल अफ्रीका पढ़ेंगे, याद रखिएगा। और यहाँ पर मैंने आपको बता ही दिया है दोस्तों, यहाँ पर मैंने आपको टॉपिक्स बता ही दिए हैं कि हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री में क्या पढ़ेंगे, कांग्रेस की स्थापना पढ़ेंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा, तो बहुत इंपॉर्टेंट दोनों ही टॉपिक हैं, कोशिश करिएगा सभी लोग लाइव क्लास अटेंड करिएगा, जितने लोग कर पाए। ठीक है, स्पष्ट हो रही बात दोस्तों?
चलिए, वेरी गुड, बेस्ट ऑफ लक टू एवरीवन। अच्छे से पढ़ाई करिए और क्वेश्चंस लगाते रहिएगा सभी लोग, क्वेश्चन नहीं छोड़ना है बेटा, ठीक है? क्लियर है अश्विनी जी? ठीक है अश्विनी जी, चलिए अभी आपसे हम बात करते हैं बेटा, ठीक है? अश्विनी जी मैं आपको कॉल कर रहा हूँ, ठीक है? मैं आपको कॉल करता हूँ, ठीक है? चलिए परेशान मत रहिए, चलिए बेस्ट ऑफ लक।